नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बार फिर से हिम इंडिया एजुकेशन आपके लिए जॉब अपडेट लेके आया है। इस बार जो हमारी वैकेंसी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सेक्रेटेरिएट में जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड रहने वाली है। तो दोस्तों अभी तक किसी भी चैनल पे, किसी भी फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे अभी तक आपको इस वीडियो का अपडेट नहीं मिलेगा, और ऐसे बहुत सारे जॉब अपडेट्स हैं जो आपको सिर्फ हिम इंडिया एजुकेशन पे ही अवेलेबल मिलेंगे। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को ऑन रखें ताकि जितने भी हम लोग डेली जॉब अपडेट्स लेके आते हैं वो आपके तक इन टाइम पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की नोटिफिकेशन के साथ। आज की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा 24 अगस्त को यह जारी की गई थी, जिसमें कि 3-4 पोस्टों से रिलेटेड इनके द्वारा रिक्रूटमेंट जारी की गई है। और इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने का जो लिंक है वो http://evidhansabha.nic.in होगा, यानी कि इस प्रोसेस के लिए इसका जो प्रोसेस होगा अप्लाई करने का वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इस लिंक से आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो नॉन ट्राइबल एरिया के लिए 28 सितंबर रखी गई है, और जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए 10 अक्टूबर रखी गई है। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी रहेगी ये रेगुलर रिक्रूटमेंट होने जा रही है हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटेरिएट में, जिसमें कि सबसे पहली जो वैकेंसी है वो रिपोर्टर हिंदी की रहेगी, जिसमें कि 2 पोस्टें भरी जानी है। इसमें दोनों की दोनों पोस्टें जो है जनरल कैटेगरी के लिए ओपन रखी गई हैं। लेवल 16 का इनको बेसिक पे, यानी कि 48,700 इनकी बेसिक पे रहेगी, यानी कि ओवरऑल सैलरी की बात की जाए तो 60,000 के आसपास इनकी सैलरी बनेगी इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉई की। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो रिपोर्टर हिंदी के लिए जो है ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उनको जो है शॉर्ट हैंड टाइपिंग देनी पड़ेगी 160 वर्ड्स की, और इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी 60 वर्ड्स पर मिनट रिस्पेक्टिवली। ये टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टाइपिंग दोनों जो है इनको टाइपिंग स्पीड क्लियर करनी पड़ेगी, शॉर्ट हैंड में भी और टाइपिंग में भी। तो ये तो हो गया इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए। अब उसके बाद जो है इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 मार्क्स का ये रिटन एग्ज़ाम होगा, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए, जिसमें पार्ट ए में जीके और करंट अफेयर के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी के आपको 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के जो है आपको 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 200 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 100-100 क्वेश्चन जो है आपको ईच ए और बी पार्ट के होंगे, यानी कि हाफ मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। और 200 इसमें जो है आपको 50% जो है मार्क्स लेने पड़ेंगे पार्ट ए में भी, जीके के सेक्शन में भी, और पार्ट बी जनरल हिंदी के सेक्शन में भी, तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे फिर उनकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 10 नंबर इसमें इंटरव्यू के लिए भी रखे गए हैं। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर ही होगा। फाइनल जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट और साथ में पर्सनल इंटरव्यू को मिला के बनेगी। दूसरी जो वैकेंसी है वो जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। इसमें 28,900 रुपये आपकी बेसिक है, यानी कि आपकी जो ओवरऑल सैलरी बनेगी वो 40,000 के आसपास बनेगी। पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए एक रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट उसमें होना जरूरी रहेगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन इसमें नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए, या तो आप LLB में या BA में या BBA में विद पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इंग्लिश। तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है हिंदी या इंग्लिश होनी जरूरी रहेगी। तो दोनों में से एक भी क्राइटेरिया आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसमें, जिसको आपको 2 घंटे दिए जाएंगे सोल्व करने के लिए। 45 मार्क्स जो होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, उसमें आएंगे, और 55 मार्क्स जो होंगे आपके जनरल अवेयरनेस हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आएंगे इस पेपर में। तो इसमें भी जो है आपको 250% मार्क्स कम से कम लेना अनिवार्य होगा इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तीसरी जो वैकेंसी है वो क्लर्क की वैकेंसी रहेगी। 20,200 बेसिक है, यानी कि आपकी जो ओवरऑल सैलरी बनेगी वो 31,000 से 32,000 के आसपास बनेगी। ST की इसमें एक पोस्ट रहने वाली है, ST के लिए ही सिर्फ ये वैकेंसी निकाली गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी रहेगी, साथ में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि आपको इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे या फिर हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने होंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो रिटन टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का, जिसमें आपको 2 घंटे सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो 200 क्वेश्चन आएंगे आपको और 100 मार्क्स का पेपर होगा ये, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपको हाफ मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपके जनरल इंग्लिश के 25, हिंदी के 25, लॉजिकल रीजनिंग के 25, एवरीडे साइंस के 25, HP GK के 35 क्वेश्चन और GK
ओवरऑल जो रहेगी उसके 45 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन कुल मिला के ऐसे आपके 200 क्वेश्चन पूरे होंगे। तो इसमें भी आपको 50% मार्क्स लेने अनिवार्य रहेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट बनेगी और किसी प्रकार का इंटरव्यू आपका इसमें नहीं होगा, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगी। अगली जो पोस्ट है वो चौकीदार की पोस्ट रहेगी, जनरल कैटेगरी की, एक ओपन के लिए पोस्ट रखी गई है। ये 18,000 बेसिक है, यानी कि आपकी कुल मिला के जो सैलरी बनेगी वो 27,000 के आसपास बनेगी। इसके लिए 8वीं पास के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी रिटन एग्ज़ाम होगा 85 मार्क्स का, जिसमें कि आपको 170 MCQ पूछे जाएंगे, जो कि 8th लेवल की हिंदी इंग्लिश आएगी उसमें और GK आएगी हिमाचल और ओवरऑल GK। तो इसमें भी आपको 50% मार्क्स लेने अनिवार्य रहेंगे और 15 मार्क की इसमें डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन को जारी रखा गया है। लास्ट जो पोस्ट है वो जनरल कैटेगरी के लिए माली की है, इसमें मिडिल पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट आपका 85 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 170 क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस सेम रहेगा, 8वीं बेस पे ये पेपर होगा। 50% मार्क्स आपको इसमें भी लेने अनिवार्य रहेंगे। तो 85 मार्क्स का आपका पेपर और 15 मार्क्स की आपकी इसमें डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन रहेगी। अब फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी अगर रिपोर्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 600 रुपये फीस लगेगी जो ऑनलाइन पे होगी। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 400, क्लर्क के लिए 400, चौकीदार के लिए 200, माली के लिए 200 रुपये फीस लगेगी। ये सारी की सारी फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST OBC या BPL ऑफ HP हैं तो आपके रिपोर्टर के लिए 150, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 100, क्लर्क के लिए 100, चौकीदार के लिए 50 और माली के लिए भी 50 रुपये फीस लगेगी। और फीमेल कैंडिडेट इनके लिए एग्जेम्प्टेड किए गए हैं और एक्स सर्विस मैन और फीमेल कैंडिडेट की किसी भी पोस्ट के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। तो सारा प्रोसेस इसको जो रहेगा दोस्तों ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं। तो याद रखिएगा, इसको जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो सितंबर में रखी गई है, जो कि 28 सितंबर रहने वाली है। और जो हमारे ट्राइबल एरिया के कैंडिडेट हैं उनकी 10 अक्टूबर रखी गई है। तो दोस्तों ये हमारा आज का जॉब अपडेट था। होप सो आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।